बाढ़ सागर डैम में मछुआरों की कमी के कारण नहीं हो रहा तय मात्रा में मछली उत्पादन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। प्रदेश के बाढ़ सागर डैम से बिजली उत्पादन, सिंचाई और मछली पालन सहित अनेक कार्य संचालित होते हैं। केवल मछली उत्पादन की ही बात करें तो प्रतिवर्ष यहां से लगभग 11 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन जानकारी है कि मछुआरों की कमी के कारण तय लक्ष्य के अनुसार मछली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तय लक्ष्य से आधे से भी कम मछलियां निकाली जा रही हैं। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, बाढ़ सागर बांध में कितनी मछुआ सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिसमें शहडोल जिले के अलावा और कितने जिले शामिल हैं, हमें बताएं। देखिए, ये बाढ़ सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों में फैला हुआ है, जिसमे शहडोल के साथ उमरिया, कटनी भी आते हैं। और इन सभी जिलों में सम्मिलित रूप से कुल मिलाकर लगभग 26 मछुआ सहकारी समितियां हैं जो यहां पर मछली पालन का काम करती हैं। और इसमें से 9 समितियां जो हैं वो शहडोल से हैं और बाकी समितियां कटनी, उमरिया और सतना जिले से हैं। अगर मछुआरों की बात करें तो इन पूरी 26 समितियों में लगभग 3000 की संख्या में मछुआरे होने चाहिए, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी इन समितियों के पास केवल 700 से 800 की संख्या में मछुआरे हैं। और यही कारण है कि मछुआरों की इतनी कम संख्या होने से मछली उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। अगर लक्ष्य की बात करें तो यहाँ 1100 टन लक्ष्य निर्धारित है प्रतिवर्ष मछली उत्पादन का, लेकिन फिलहाल 400 से 500 टन ही मछली उत्पादन किया जा रहा है। तो ये मुख्य समस्या है इस मछुआरों की कमी को लेकर, जिससे मछली उत्पादन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और दूसरी समस्या इससे ये भी है कि मछली जब तय मात्रा में निकाली जाती है तो उसका एक आंकड़ा तय किया जाता है और फिर से उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब मछलियों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है या मछलियां डैम से नहीं निकाली जा रही हैं, इस कारण उस डैम में बहुत ज्यादा संख्या में मछलियां भी हो गई हैं। तो ये और भी खतरे की बात है, क्योंकि इससे उस डैम के जो बाकी जीव जंतु हैं उन पर भी असर पड़ता है और वो पूरी एक इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर अभी समस्या सामने आ रही है बाढ़ सागर डैम से। तो अमन, जैसे कि हमें पता चला कि मछुआरों की कमी के कारण मछलियां उत्पादन में समस्या बहुत आ रही है, तो इस समस्या को लेकर संभाग आयुक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, जब इस पूरे विषय की जो शिकायत है वो की गई स्थानीय प्रबंधक द्वारा संभाग आयुक्त से की गई, तो उन्होंने कहा है कि मछुआरों की ये जो कमी है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और उसको दुरुस्त करने के लिए मछुआरों की तलाश की जा रही है, व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है और मछली पकड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उम्मीद है, ये उनके अल्फाज हैं संभाग आयुक्त के, कि उम्मीद है जल्द से जल्द ये जो समस्या है मछुआरों की कमी की उसको पूरा कर लिया जाएगा और फिर से जो तय लक्ष्य है मछली उत्पादन का उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। संभाग आयुक्त का कहना है कि स्थिति को देखते हुए मछुआरों की तलाश की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।